मैंने बहुत ज़्यादा कुछ प्रिपेयर नहीं किया, जैसे एज यूजुअल ऊपर ही चल रहे हैं, बीच में सोच लिया कि ऐसे कुछ करेंगे, क्योंकि शायरी में प्रिपरेशन करना मतलब प्रॉब्लम इनवाइट करना है। सो अपनी लाइफ की शॉर्ट स्टोरी सुनाता हूँ, हर बार एक नई स्टोरी सुनाऊंगा और रियल होगी और शायरी फॉर्म में सुनाऊंगा। मैंने लगभग अभी कम से कम भी 150 गाने लिख दिए हैं हिंदी के अंदर और 21 गाने ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं मेरे सारे। बहुत से लोग यहाँ पे डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल्स हैं, दे ऑल आवर स्टाफ कलीग्स, और सबको डॉक्टर की लाइफ पता होती है। हम लोग MBBS बहुत मुश्किल से घुसते हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल से घुसते हैं, फोकस्ड रहना पड़ता है। तो हम लोगों के ज़माने में मोबाइल्स नहीं होते थे, तो जो आज 10th का बच्चा, 8th क्लास का बच्चा जो मोहब्बत कर डालता है वो हम तक नहीं कर पाए। हमारी लाइफ ऐसी होती थी स्कूल, जब हम घर में होते थे तो स्कूल से आए, बस्ता रखा, खाना खाया, बेटा सो जा, चले गए रूम में, आधा घंटे सुस्ताने के बाद किताब खोल के पढ़ ले आते थे और गेट बंद कर लेते थे अपना। और गेट बंद करने के बाद कभी कोई घर से कोई मेहमान आता था तो नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी करके पानी दे के फिर चले जाते थे, फिर पढ़ते थे। यही जिंदगी थी, सब दोस्त क्रिकेट खेलते थे, फुटबॉल खेलते थे, हम लोग सिर्फ पढ़ते थे। और जैसे धीरे धीरे 12th आई, 12th में एंट्रेंस एग्जाम पहली बार में क्लियर हो गया वहाँ की दया से। और उस टाइम बहुत ज़्यादा पैसे नहीं होते थे, बहुत लिमिटेड बजट होता था, स्लीपर क्लास में बैठ के MCA में हमारी काउंसलिंग होती है दिल्ली में, ऑल इंडिया BMT की, वो अटेंड करने गए थे। और खास बात तो ड्रेसिंग सेंस भी नहीं था, बाटा की चप्पल पहन रखी थी और नेवी ब्लू कलर की पैंट पहन रखी थी और रेड शर्ट पहन रखी थी और सड़े गले बाल लेके बिना पता नहीं कौन से साबुन से नहा के गए थे। पहुंच गए MCA में काउंसलिंग में, फाइल लेके अपने। जब वहां पहुंचे तो जिंदगी की नई शुरुआत हुई, सातवें आसमान में थे और वहीं डर भी था कि पता नहीं कहां जाने वाले हैं, क्या होने वाला है हमारे साथ। आपने कुछ कुछ होता है मूवी देखी है, उसमें अंजलि शर्मा का नाम सुना है? मेरा फेवरेट नाम है अंजलि। तो वो एक मूवी थी जो देखी थी उस टाइम, हमने हमारे टाइम में बहुत फेमस हुआ करती थी और उसमें एक फेमस डायलॉग था, राहुल इज ए टीचर, राहुल इज ए टीचर। उसे एंट्रेंस में ये भी नहीं पता था कहाँ जा रहे हैं, वहाँ पे एक प्यारी सी सुंदर सी लड़की खड़ी थी और उसका रैंक था 936 और मेरा रैंक था 937 और हमको घंटों साथ बिताने थे काउंसलिंग में। एंड शी वॉज मोर नॉलेजेबल देन मी, ऑब्वियसली एक रैंक पहले थी और पहले सब कुछ पता करके आई थी, उसके फादर भी डॉक्टर थे, तो कहाँ घुसना है क्या पता सब। उसने जाते इतनी हेल्पिंग थी और मुझे लग रहा था टॉयलेट आ रहा था बहुत तेज, अब कोई फाइल लेने वाला नहीं था और डर लग रहा था कोई डॉक्यूमेंट चोरी हो गए, तो डरा रखा था कि भैया यही है बस आखिरी डॉक्यूमेंट्स। तो उसने बड़ी हेल्प की, उसने डॉक्यूमेंट्स पकड़ लिया, बड़ा कहा कि जाना है, जाके वापस लौट के आया और इतना उसको पहली बार ध्यान से देखा। वो कहते हैं ना कि पूरी दुनिया में वो कहीं एक नहीं मिलता, पूरी दुनिया में वो कहीं एक नहीं मिलता जिस एक में पूरी दुनिया मिल जाती है। क्या बात है, कोई नहीं करती। उसके बाद पता है क्या हुआ, इत्तेफाक से ही सही उनसे मुलाकात हो गई, इत्तेफाक से ही सही उनसे मुलाकात होगी, जिनकी तलाश थी उनसे बात हो गई। क्या बात है, देखते ही देखते जाने कहां खो गए हम, वहीं से हमारे प्यार की शुरुआत हो गई। हम लोगों की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई, मेरे पास तो कुछ ईटेबल भी नहीं था, कुछ नाश्ता भी नहीं किया था, अकेले गए थे काउंसलिंग अटेंड करने, कुछ नॉलेज भी नहीं थी कौन सा कॉलेज लेना है। मेरे फादर उस टाइम खुद स्टूडेंट हुआ करते थे बिकॉज ही वॉज डूइंग हिज DM, बहुत जल्दी पैदा हो गया था घर में, तो उन्होंने उनके फादर ने कुछ हमारे बहुत जल्दी शादी हो जाती थी, 10th में अगर कोई बच्चा पास हो जाए और 12th में सॉरी उसका PMT में सिलेक्शन हो जाए तो वो शादी करते थे, भाई डॉक्टर बन जाएगा, लड़की दे दो उसको। और पता है क्या हुआ, हम बहुत छोटे थे, मेरे फादर खुद स्टूडेंट थे, ज़्यादा अंतर नहीं हमारी उम्र में, वो एम्स में DM थे और उन्होंने कहा था कि बेटा, उनके चीफ ने कहा था कि उनके चीफ थे कोचू पिल्ले जो कि केरला के थे, उन्होंने कहा था बेटा साउथ इंडिया का कॉलेज लेना, पर वहाँ पे सब भटक गया। हम उन्होंने डिसाइड किया अंजलि और मैंने कि भैया ये कॉलेज लेंगे, नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि
उससे आप ढूंढ सकते हो उसको. तो वो कॉलेज जब हमने डिसाइड कर लिया बिल्कुल यू नो आंखों आंखों से बातें हो रही सब कुछ मेरे यहाँ कि अजीब सी हलचलें होती हैं आंखों में शरारत होती है अजीब सी हलचलें होती हैं आंखों में शरारत होती है वो चेहरे से ही पता चल जाता है जिस दिल में मोहब्बत होती है. तो हलचलें हो रही थी हो रही थी और पास में बैठे थे और काफी घंटों क्योंकि नंबर नहीं आता ना तो डरे भी थे सहमे भी थे पर वो बहुत कॉन्फिडेंट थी भैया मेरे तो ये बनना उस टाइम हीरो सर्जरी बनना था उसको हमें तो ये नहीं पता था कि अभी उसमें कितने साल होते हैं. तो शी वॉज गाइडिंग मी एंड शी वॉज सो हेल्पफुल एवरीथिंग सैंडविच वैंडविच भी खिलाया मुझे उसने और बहुत अच्छा लग रहा था और सपने देखे थे बहुत आगे देखे ना मुन्ना भाई अभी उसमें जो मूवी थी उस तरह के सपने देख लिखे थे. पर वहाँ बैठा चीफ वो हम जब एंट्री घुसे फाइनली वहाँ बैठा जो चीफ था वो नजरें रख रहा था उसके लिए खटक रही थी मोहब्बत पता नहीं क्या प्रॉब्लम थी मुझसे उसको. हमने डिसाइड करे थे यही कॉलेज लेंगे और वो उस कॉलेज को लेके वापस मेरे पास आ गई और मेरा नंबर था मैंने भी उसी कॉलेज का नाम लिया उससे. तो पता है गुस्सा होगी क्या बोलते बाप ने जो कहा वो कॉलेज ले ना मैं टूट गया सहम गया मैं लगा कि यार ये टाइम निकल जाएगा वो भगा देगा कॉलेज नहीं मिलेगा ऐसे करके मैं बोल रहा था मैंने कहा कोई समुंदर के किनारे वाला कॉलेज दे दो यहाँ थी यार केरला उस टाइम. तो उन्होंने कहा समुंदर के किनारे कौन सा कॉलेज भी ढूंढना था अच्छा अलपुरा ठीक है तो पानी से गिरा थर्ड डिग्री ट्रीटमेंट बोल गया मुझे और मैं समझ नहीं पाया मैं चेंज कैसे हूँ क्योंकि हम बहुत डरे हुए होते हैं कोई नहीं पता था हमारा अधिकार होता है दिस इज अवर राइट टू चूज अ सीट. एंड वो लड़की बड़ी कॉन्फिडेंटली ऐसे वेट कर रही थी और देख रही थी राहुल क्या ले रहा है बस वो मेरा वेट कर रही थी और राहुल शर्मा ने वहाँ लाइक सबसे बड़ा ब्लंडर कर दिया और कॉलेज दूसरा ले लिया. उसके बाद आपको पता है मेडिकल में बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती है सीट सेलेक्ट करने के बाद आपको एक एक काउंटर पर भेज देते हैं ये सेट बुक कराओ ये चेक कराओ फलाना कराओ वो साइन करो बॉन्ड साइन करो. इतने में हम लोग बिछड़ गए और उससे मुझे कुछ पंक्तियाँ याद आती है ना जाहिर हुआ उससे ना बयां हुआ मुझसे ना जाहिर हुआ उससे ना बयां हुआ मुझसे उन सुलझी हुई आंखों में मोहब्बत उलझ के रह गई और साथ छोड़ गया और साथ छोड़ गया. आपने सुना होगा कि प्यार की कली सबकी किस्मत में खिलती नहीं प्यार की कली सबकी किस्मत में खिलती नहीं मेरे प्यारे दोस्तों मोहब्बत किस्मत से मिलती है और सबको वो किस्मत मिलती नहीं. रब करे किसी को किसी से मोहब्बत ना हो खुदा करे किसी दिल पे फिदा ना करे अगर करे तो कयामत तक जुदा ना करे क्योंकि जुदाई से कोई मरता नहीं है पर तन्हाई से जिया जाता नहीं. मुझे नहीं पता कि उससे मुलाकात ये कुछ पंक्तियां मैंने लिखी हैं बहुत पहले लिखी हैं तो बहुत बड़ा हो गया हूं. मुझे नहीं पता कि उससे मुलाकात होगी या नहीं होगी पर मेरी रूह में हर दिन उसकी यादों की महफिल सजी होगी. हर दिन मेरी रूह में उसकी यादों की महफिल सजी होगी हर पल उसकी याद आएगी मेरा चैन मेरी नींद मेरा सुकून ले जाएगी. खुली आंखों से एक सपना देखूंगा उस सपने में उसे अपना देखूंगा आज भी मेरी धड़कनों का मेरी सांसों का वजूद उससे है क्योंकि उससे मिले बिना मोहब्बत भी नसीब नहीं आएगी. इश्क करता हूं तुमसे कभी बताया नहीं इश्क करते थे तुमसे कभी जताया नहीं वो भी एक दौर था आज भी एक दौर है उम्र हो गई है अब तो मेरी प्यार मेरा जवान है. इश्क आज भी गहरा है बस दुनिया का पहरा है. कह ना पाऊंगा यार तुमसे मिल ना पाऊंगा जान तुमसे इस जन्म में तो क्या हर जन्म में ये दिल तेरा है. कशिश
कशिश दिल की हर बात भुला देती है, कशिश दिल की हर बात भुला देती है, बंद आंखों में भी सपने जगा देती है, बंद आंखों में भी सपने जगा देती है। मेरे यार मेरे दोस्त, सपनों की एक दुनिया रखा कर, मेरे यार मेरे दोस्त, सपनों की एक दुनिया रखा कर, असलियत हमेशा रुला देती है। बहुत सारी शायरी हैं, मैं आपको अगली स्टोरी में सुनाऊंगा, और पहले हमारे बर्थडे बॉय इधर आइए सब। पहले ब्रेक करूंगा, थैंक यू बोलूंगा, बॉय बोला, मैं खत्म नहीं हुआ, बॉय बोला। देखो मौसम कितना खुश मिजाज है, मेरे हाथों में तेरा हाथ है, खुशियों की सौगात है, अगर ये कोई ख्वाब है तो मेरी नींद न टूटे, तारे सारे, पर आप दोस्ती का वो चांद हो जिसके सामने सारे फीके पड़ते हैं सितारे सारे। हम नगर हम राज हम डगर हम सफर, नजर आते हो मेरे मेरे ख्वाबों का मंजिल तुम नजर आते हो। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक्स फॉर योर काइंड वर्ड्स, दिल से बोला, ये मुझे पता है। क्वेश्चन प्लीज। अरे मैं लास्ट में कहूंगा कि सपने देखना नहीं छोड़ना चाहिए, कि जो ही नहीं सपने देखना, ख्वाब देखना, आपकी हसरत पूरी हो ना हो, नहीं हो कोई बात नहीं, पर ख्वाब देखना कोई गुनाह तो नहीं। मुश्किलों से जो डरते हैं जलीले खार होते हैं, मुश्किलों से जो डरते हैं जलीले खार होते हैं, बदल दे वक्त की तकदीर वो खुददार होते हैं, बदल दे वक्त की तकदीर वो खुददार होते हैं, हजारों टूटते हैं ना खुदाओं के भरोसे पर, जो खुद चप्पू चलाते हैं वो अक्सर पार होते हैं। उस लड़की के लिए एक लाइन मैं कहूंगा, तेरी खूबसूरती से तू खुद नहीं है वाकिफ, तेरी खूबसूरती से तू खुद नहीं है वाकिफ, आफरीन हसीना तो एक इनायत है, इनायत है, इनायत है। बहुत सारी, मैं आपका समय वार नहीं लूंगा, नहीं तो खत्म नहीं होने वाली, हर सेकंड एक शायरी का।